हमने कहा कि पहले फेरे के बाद बुआ जी के घर से तुम सीधे हमारे घर चली आना। संजना भी वहीं आ जाएगी, रात को हम सब वहीं रहेंगे। फिर फ्रीक आउट ओके? हाँ, जैसे पहले करते थे। करेक्ट। डालू? अरे अरे, जब पूरा फ्राई हो जाए तब डालते, वो भी इतना सारा नहीं, इसका आधा। अच्छा, इसलिए तो हम तुम्हारी मदद करने किचन में चले आते हैं, ताकि तुम्हारी मदद करते करते हम बढ़िया खाना बनाना सीख जाए। वेरी स्मार्ट। वो तो हम हैं ही। खुशी फिर तुम्हें खाना पकाना सीखने की कोई जरूरत? ऐसे कामों के लिए तो हमारे पास रहता है। और फिर बेटा, ये तुम्हें शोभा भी तो नहीं देता। ये सारे कामों में टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम उस पर ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। ओके, तो फिर जाओ, मिसेस मल्होत्रा को फोन करो, उनसे पूछो कि क्लब की जो एनुअल मीटिंग है उसका एजेंडा तैयार है। अरे राहुल, अच्छा हो गया तुम मिल गए। क्या बात है? ये 3,000 रुपये मैंने बैंक से एडवांस के लिए अप्लाई किया था, सो आज मिल गया, तो मैंने अपने हाथों से जाके पापा को दिया। डैडी को? क्यों? अरे भाई, तुमने 3,000 रुपये कम जो दिए थे पापा को हिसाब में। हाँ भैया, मैं उन्हें पैसे दे दूँगा। कहाँ से दे दोगे? भैया, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगा, लेकिन मैं आपसे पैसे दूँगा। मैं ऐसे ही आप पर बहुत बड़ा बोझ बना हूँ, मैं और बोझ नहीं। पागल है, ये बोझ उझ क्या लगा रखा है? भाई भाई पर कभी बोझ होता है? अभी पैसे अपने पास रख ले और अपने हाथों से जाके पापा को दे। लेकिन भैया, उन्हें अच्छा भी लगेगा और वो तुम्हें माफ भी कर देंगे। थैंक यू भैया, मैं बहुत जल्दी पैसे आपको वापस कर दूंगा। सुनिए, चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। आपने राहुल के साथ जो किया अच्छा किया, लेकिन सही नहीं। क्या मतलब? हमें राहुल की मदद करनी चाहिए, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, उसे बिगाड़ने के लिए नहीं। तो उसे बिगाड़ कौन रहा है? राहुल अब बड़ा हो चुका है, आपकी तरह उसे भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब वो खुद अपनी लड़ाई लड़ना सीखे। पर आपके मदद करने से उसमें ये काबिलियत कभी नहीं आ पाएगी, बल्कि वो और मुश्किलों में फंसता जाएगा, और कहीं इसके जिम्मेदार आप भी होंगे। आपकी मदद राहुल को कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी, और आप जो अपने भाई का भला करना चाहते अनजाने में उसका बुरा कर बैठेंगे। तुम ठीक कहती हो शुभ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। शायद राहुल की भलाई इसी में है कि मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो ये बात है। कुछ काम था मैम। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं देख रही हूँ रक्षा, तुम कितनी भोली हो, कितनी नेक, कितनी सीधी, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं है। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बहू की बात कर रही हूँ। श्रुति, क्या किया उसने? अभी तो शुरुआत की है उसने, अगर ऐसे ही करती रही ना तो पता नहीं अंजाम क्या होगा। और वैसे रक्षा, श्रुति इतनी भी दूध की धूली नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, मैं दंग रह गई। लेकिन क्या किया, क्या है उसने? मैं तुझे मिलने तेरे कमरे में आ रही थी। हाँ। तो बाहर के कमरे में तुषार राहुल को पैसे दे रहा था, राजन को देने के लिए, और लिए राजन से ही होंगे,
बेचारे राहुल के पास नौकरी कहाँ है? तुषार चाहता था कि राहुल की इज्जत बनी रहे राजन की नजरों में, तो पता है तुम्हारी लाडली बहू क्या कर रही थी? तुषार से लड़ने लगी, कहने लगी मेरी इजाजत के बगैर तुमने पैसे दिए क्यों? दोनों भाइयों में झगड़ा करवाने के चक्कर में थी, दोनों को अलग करवा देगी वो। नहीं नहीं, श्रुति ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही? रक्षा, तू बहुत भोली है और तेरा तुषार बिल्कुल तेरे पे गया। भोलू राम, अरे श्रुति ने क्या कुछ नहीं कहा उसे, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, जैसी माँ वैसा बेटा। क्या मतलब? देख, अगर तुषार ने श्रुति को कुछ नहीं कहा ना, तो भाइयों को अलग करवा के ही छोड़ेगी, और पहले से इस घर के 3 हिस्से बढ़ चुके हैं, पता नहीं कितने हिस्से हो जाएंगे। फिर तुषार को समझाना कि श्रुति की बातों में मत आए, और रक्षा तुझे ना अपनी बहू की लगाम खींच के रखनी पड़ेगी, वरना हाथ से निकल जाएगी। ओहो, मैं तो मिसेस शुक्ला की दवाई तुमसे लेने आई थी, चलो बहुत देर हो गई, फिर कभी ले लूंगी, इतना काम पड़ा है, मैं चलती हूँ। अच्छा, क्यों दे रहा हूँ जी? सुखी रहो, कुछ चाहिए? जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। क्या? हम अपने पहले फेरे के लिए घर जा रहे हैं, इसलिए आपसे आशीर्वाद देने आए थे। अरे रुको रुको, एक मिनट, ये आशीर्वाद तो मैंने तुम्हें रोज की तरह दिया था। तुम लोग पहले फेरे के लिए जा रहे हो ना, तो उसके लिए तो स्पेशल आशीर्वाद चाहिए, है ना, जो मैंने अभी तक दिया नहीं है। ये लो, सुखी रहो, खुश रहो, क्यों दे रहो? हाँ, ये हुआ ना आशीर्वाद। सुखी सुखी जाओ, सुखी सुखी घर वापस आओ, पर जल्दी आना पुत्र जी। तुम तीनों ने इन 2 दिनों में पता नहीं क्या जादू कर दिया, सारा घर तुम्हारे बगैर सुना सुना लगेगा पुत्र जी। हम प्रॉमिस करते हैं दादाजी, हम जल्दी आएंगे। जो दे रहा हूँ जाओ। की हुआ जी? मैं सोच रहा सी पैरों से कितना फर्क है मेरे पुत्र की बहुआ और मेरी बहुआ, ये तीनों हमेशा साथ साथ रहती हैं, कितना प्यार कितना अपनापन है इनमें। और मेरी बहुएं साथ साथ चलना तो एक तरफ, साथ साथ खड़ी भी नहीं रहती। तय फिर बाबूजी, तेनों कुछ पता ही नहीं है। कि मतलब? मतलब कि आपकी बहुएं भी आजकल साथ साथ रहती हैं। क्या कह रहा? उसका मतलब है जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या बात है बेटे, तुम सजना को छोड़े घर नहीं गए? डैड, मुझे काम था परेल में और उसे एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, तो मैंने उसे कह दिया कि वो टैक्सी पकड़ के चले गए। क्यों क्यों डैड, आप क्यों पूछ रहे? बेटे, तुम्हें जाना चाहिए, अब काम के साथ साथ तुम्हें अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए। What do you mean, डैड, मैं संजना का ख्याल नहीं रखता? No, बेटे, what I mean to say is, अब पहले की तरह तुम सिर्फ बिजनेस में ध्यान नहीं दे सकते। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, संजना तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और हर हाल में उसे खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। क्यों डैड, उसने आपसे कहा कि वो नाखुश है? नहीं बेटे, उसने कुछ भी नहीं कहा, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि वो नाखुश है, लेकिन होता क्या है ना बेटे, कि हर लड़के के लिए अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन सबसे पहले आता है, और उसकी निजी जिंदगी बाद में। मैं समझा नहीं डैड, क्या इसमें कोई बुराई है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं, लेकिन हाँ, बुराई तब है जब इंसान अपने आप को कामयाब बनाने की आग में झोंक देता है। बेटे, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपने काम की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दो। ऐसा सोच भी नहीं सकता डैड, क्योंकि अपने काम की रफ्तार को वो लोग धीमा कर देते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, और मैं तो अपनी मंजिल से कोसों दूर हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। ओके, बट देन व्हाट अबाउट संजना? आई एम वेरी लकी डैड कि मुझे संजना जैसी जीवन साथी मिली है, जो मेरी हर एक इच्छा को अच्छी तरह समझती है और मेरा हर एक सपना साकार होने में मेरा साथ देती है।
लेकिन एक बात याद रखना बेटे, संजना के भी अपने अरमान होंगे और उन्हें पूरा करने में तुम्हें भी उसकी मदद करनी होगी। Yes, Dad. Thanks for reminding me. Hi, Papa. आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ। पापा। अरे बेटा, किचन में और क्या करते हैं? खाना ही तो पकाते हैं ना? लेकिन आपको खाना पकाने की क्या जरूरत है? हम लोग हमेशा खाना बाहर से मंगाते हैं ना? हाँ भाई, वो तो ठीक है कि मैं बाहर से मंगाता हूँ, लेकिन आज क्या है? आज मेरी सबसे प्यारी, मेरी इकलौती बेटी, मेरी तूफान मेल आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊं, क्योंकि मेरे हाथों का बना खाना मेरी बेटी को, या यूं कहो कि जला हुआ खाना उसे बहुत पसंद है। बस मैं फिर से जलाने की कोशिश कर रहा था। पापा बहुत बुरे हैं। चलिए आप चलिए। पापा, आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है? आप यहाँ पर आके बैठिए बस। हाँ, आज तो मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन आप भी मुझे कभी याद करते हैं पापा? बेटा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। इस घर के चप्पे चप्पे में बस तुम्हारी ही यादें बसी। बेडरूम में जाता हूँ तो कंप्यूटर डेस्क पर बैठी नजर आती हो, दूसरे कमरे में जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि सोफे पर बैठी तुम टीवी देख रही हो, किचन में जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी संजना फ्रिज से फ्रूट निकाल रही है। अब तो इन आंखों में सिर्फ छलावे की तरह नजर आती हो बेटी। तुम्हें मेरी याद तो नहीं आती होगी ना? और आएगी भी क्यों? हाँ, क्योंकि पति के साथ साथ अब एक भरा पूरा परिवार मिल गया, और यहाँ तो सिर्फ पापा है। पापा, आप मेरे लिए सिर्फ नहीं है, मेरे सब कुछ है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। शादी के बाद लड़की का ससुराल ही सब कुछ है। देखो बेटा, मैंने बरसों बिताए हैं तुम्हारी मौजूदगी में, अब तुम्हारे बगैर जीने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। अरे यार, तेरे ही फार्म हाउस पे चलते हैं यार, और वैसे भी मैं बहुत ऊब गया हूँ बॉम्बे की नाइट लाइफ से, थोड़ा चेंज हो जाएगा साथ में। श्योर, नेक्स्ट वीकेंड का रखते हैं। ओके, बाय। तेरी कोई बात है क्या? बेटा बात तो है, अगर तुम मानो तो। ठहरा जी, घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हैं? साफ साफ कहिए ना क्या बात है। बेटा साफ साफ बात यह है कि अब तुम शादीशुदा हो। क्यों? तो बेटा शादीशुदा आदमियों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जब तक तुम कुंवारे थे, तुम घूमते फिरते थे, अपनी मर्जी करते थे, दोस्तों के साथ रहते थे, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, यही सोचकर कि ये तुम्हारे घूमने फिरने के दिन हैं। लेकिन अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारी बीवी है, कल को तुम्हारा परिवार होगा। जिंदगी को सीरियसली लो बेटा, और जिंदगी में कुछ बन के दिखाओ। नाउ लुक एट योर कजन कबीर, जी तोड़ मेहनत करता है, दिन रात एक कर रहा है जिंदगी में कुछ बन के दिखाने के लिए। कम ऑन डैड, जल्दी भी क्या है? और फिर डैड, आप ही तो कहते हैं कि आप ये सब हमारे लिए कर रहे हैं, और ये धन डॉलर पैसा रुपया आपने सब इसलिए इकट्ठा किया कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। और डैडी, फिर हम भी तो वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। आई मीन, आपने जो कम्फर्ट दिया है वो स्ट्रॉन्ग एंड बींग कम्फर्टेबल। और फिर डैडी, जहाँ तक कबीर का सवाल आता है, मेरे और कबीर में बहुत फर्क है। ऑलरेडी जिस मुकाम पे कबीर पहुंचना चाहता है और पहुंचने की कोशिश कर रहा है, थैंक यू डैड, मैं ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका हूं। कम ऑन डैड, आप ये क्या बातें लेके बैठे हो? मैं क्लब जा रहा हूं, आप भी चलिए साथ में, प्ले गेम ऑफ क्लब, आप कभी मूड में नहीं। बेटा तुम ही जाओ। ओके डैड, चेंज योर माइंड। बच्चे अगर लायक हो तो पैसे के मोहताज नहीं होते, और अगर नालायक हो तो उनके लिए पैसे इकट्ठे करना ही क्यों।
बुजुर्गों ने सच ही कहा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आप कैसे हो? तुझे देखा अब ठीक हो गई, हमने आपको बहुत मिस किया। बहुत मिस किया मामा। आप रो, ये तो खुशी के आंसू है। जिस तरह बारिश के बादल हटने के बाद कभी कभी इंद्रधनुष नजर आता है और उसका सब तरंग चारों तरफ फैल जाता है, उसी तरह इन आंसुओं की बारिश के बाद जब तेरा चेहरा नजर आता है तो मेरे सारे गम सारे दुख भुला देता है और रह जाती है सिर्फ खुशी। आप ही तो चाहती थी कि हमारी शादी हो जाए और आप ही कहती थी कि बेटी को माँ के घर से विदा होना ही पड़ता है। लेकिन तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरी सब कुछ थी, मेरी बहन, मेरी सहेली। तेरे जाने के बाद तो मेरी जिंदगी ही खाली हो गई। मामा, भले मैं अकेली रह गई लेकिन तेरा बता, तेरा परिवार तो बढ़ गया है ना? तेरा घर कैसा है, तेरी सास कैसी है, बताओ तो। सास का तो पता नहीं, लेकिन डैड और दादा की आदरी वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और बाकी लोग, बाकी के सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। यंगस्टर ज्यादा बैठ सब पागल है, हमेशा धमाल मचाए रखते हैं। यू नो मॉम, नताशा और उर्वशी तो हमेशा झगड़ते रहते हैं। अच्छा, किस बात पर? किसी भी बात पर, पर झगड़ने लगते हैं और उनका झगड़ा सुलझाते सुलझाते हम सब खुद ही उलझ जाते हैं।